कर्नाटक में कांग्रेस ने सभी बड़ी पार्टियों का सुपड़ा लगभग साफ कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। उनसे जानते हैं कि आखिर में ऐसा कौन सा जादू चला कर्नाटक के चुनाव में कि जहां चुनाव से पहले सारे गणित और गठजोड़ एक तरफ लग रहे थे लेकिन नतीजे जो हैं सबके लिए चौंकाऊ हैं। हरीश जी, सबसे पहला सवाल कि कर्नाटक की स्थिति, जैसे चुनाव से पहले कुछ और लगाई जा रही थी लेकिन एक तरीके से वहाँ पर चमत्कार हुआ है, तो उसकी आप क्या मानते हैं? मैं तीन फैक्टर्स को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक तो कर्नाटक की जनता को, दूसरा अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और तीसरा जो है उपाध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोग भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो लोगों ने उनको उस रूप में स्वीकार किया और कर्नाटक की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत जो है कांग्रेस को दिया, तो इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ। हरीश जी, एक कि ऐसे समय पर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे निकल कर आए हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय सरकार जो है उस पर विपक्ष लगातार हावी होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया, और कर्नाटक के चुनाव के नतीजे में तो लगभग क्या कहना चाहेंगे? हम पहले से कह रहे थे कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ दिल्ली में, जिसमें कुछ प्रोपोगेंडिस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इकट्ठा होकर के कांग्रेस और यूपीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो यूपीए को घेरेंगी नहीं, घेर पाएंगी, मगर ये मान करके चलिए कि उनके नकारात्मक राजनीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, भारत की छवि को नुकसान हो रहा है, और मगर हमें उम्मीद है जिस तरीके से कर्नाटक ने आज निर्णय लिया है, आगे भी इसी तरीके से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं मुतमईन हूँ अपने दरख्तों से, तूफान आता है और चला जाता है। बिल्कुल, एक सवाल इसमें अंतिम तौर पर लूँगा कि अभी कई एक राज्यों में चुनाव और आने वाले हैं, तो उन राज्यों में भी कांग्रेस 50-50% की स्थिति है, कुछ में जो है विपक्ष के पास है, कुछ में आपके पास है, तो मनोबल बहुत ही मजबूत हुआ है, और किस तरीके से आप 2014 को देखते हैं? देखिए, हमें एक ही मंत्र लेना है कि लड़ते वक्त एक होकर के लड़ें, तो हम कहीं भी भाजपा से सत्ता छीन सकते हैं। उत्तराखंड में भी हमें मतभेद थे लेकिन हम चुनाव लड़ते वक्त एकजुट रहे, थोड़ी सी कमी रही एकजुटता में, तो इसलिए थोड़ी सी कमी रह गई, हम 32-40 की जगह 32 पर सिमट गए, और मैं समझता हूँ यदि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हम एकजुट रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हम उन दोनों राज्यों को न छीन दें हम भाजपा से, और दिल्ली तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थान में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अशोक गहलोत जी की विनम्रता को राजस्थान की जनता तिलक चढ़ाए। एक जो शेर आपने सुनाया एक बार फिर से उसको दोहरा दीजिए। मैंने कहा मैं हम मुतमईन हैं अपने दरख्तों की ताकत से, उनकी सलाहियत से, और तूफान आते हैं और गुजर जाते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि तूफान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो मजबूती बनी हुई है यूपीए सरकार की केंद्र में, वही मजबूती दिखकर आई है कर्नाटक के चुनाव में। अशोक खत्री के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए शरेश तिवारी।